आज अपने आइडल अमन के सामने अपना बिजनेस पिच करेंगे, लेकिन टैंक में अमन का सामना होगा एक राइवल से। ये अपने फैन के आइडिया में वो दिखाएंगे इंटरेस्ट। आइए देखते हैं क्या रोहित के बिजनेस में अमन करेंगे इन्वेस्ट। नमस्ते शार्क्स, मिलिए हमारे स्मार्ट मैन से। ये स्मार्ट इसलिए है क्योंकि ये फोन के एक टच पर लाइट ऑन कर सकता है, स्मार्ट वॉच पे बात कर सकता है और ब्लूटूथ हेडफोन पे वायरलेसली गाने सुन सकता है। तो ऐसे ही स्मार्ट मैन के लिए हम बनाते हैं हमारे स्मार्ट प्रोडक्ट्स। हम लोग बनाते हैं ब्लूटूथ हेडफोन्स, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, वाईफाई प्लग्स, वायरलेस चार्जर्स। हाय शार्क्स, मेरा नाम रोहित नंदवानी है, मेरी कंपनी हैमर लाइफस्टाइल है। ये मेरे बिजनेस एसोसिएट्स हैं चांद भाटिया, रोहित सगला। हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी 2019 में एंड अब तक हम 1.5 लाख कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। Wow. हमारी आस्क है 30 लाख इन एक्सचेंज ऑफ 3% ऑफ इक्विटी। तो शार्क्स, ये अब आपको प्रोडक्ट्स का डेमो देंगे। हेडफोन्स है आपके पास, एक बार मैं गाना प्ले कर देता हूँ। म्यूजिक प्ले हो गया है। Nice. परम शाक है अमन जी, तो ये तो आपके सबसे बड़े कंपेटिटर, राइट? आप जैसे प्लेयर्स जब एंटर करते हैं इस मार्केट में तो क्या सोच के एंटर करते हैं? बोट इज रियली बिग, बोट तो अब टाइटैनिक बन चुका है, हम तो अभी बहुत ही टाइटैनिक तो डूब गया। ऐसा ना बोल भाई, स्पीड बोट बोल ले, कुछ और बोल ले। अच्छा, मेरे कहने का मतलब था कि बहुत ही बड़ा बन चुका है, बट क्योंकि आज के टाइम में गैजेट की मार्केट इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि छोटे छोटे प्लेयर्स की भी जगह है इसके अंदर। विजन क्या आपका? विजन, हम पूरे इंडिया में ये गैजेट्स पहुंचाना चाहते हैं, सो इंडिया के यूथ का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सके। जो बोट से नहीं इंप्रूव हो रहा है उसको आप और बेहतर करना चाहते हैं? नहीं नहीं, बोट के ऑडियो प्रोडक्ट्स हैं, हम सिंग हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ सिमिलर हैं। अगर हमारे पास 10 कैटेगरीज हैं तो 2-3 ओवरलैप करती है हमारी। सिर्फ 2-3? 2-3। समस्या क्या हो रही है ना, बहुत गंभीर है, आप समझ रहे हो? क्योंकि दिग्गज बादशाह तो यहाँ पे बैठे हैं ये इंडस्ट्री। नहीं, पर मेरे को लगता है कि आप उससे इन्फ्लुएंस मत हो। हम बैठे हैं ना, आप चिंता ना करो भाई। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपके बिजनेस में दम है, तो अमन भी यहाँ पे बैठे हैं, तब भी पैसे लगा देंगे। तो आप कंफर्टेबल होके करो, आपको अमन को कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना। आप लग रहा है मुझे डर रहे हो, थोड़ा डरो मत यार। मैं नहीं हूँ, मैं चला गया। अभी बिजनेस की बात करते हैं, कितने SKUs है आपके पास? अभी हमारे पास 14 SKUs है। और टॉप 3 SKUs बताइए। टॉप 1 इज हैमर बैश, सेकंड इज वॉच एंड थर्ड इज वायरलेस चार्जर। ये जो आपका टूथब्रश है वो बिकता है? क्योंकि आपने वो मेंशन किया तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि कौन खरीदता है और किस लिए खरीदता है। मैं इंडिया का कस्टमर का लेवल डेवलप कंट्रीज के बराबर लेके जाना चाहता हूँ। सो जर्मनी में 70% ऑफ द टूथब्रशेस आर स्मार्ट टूथब्रश, दुबई में स्मार्ट टूथब्रश, चाइना में, हांगकांग में। सो वो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अगर आपने किड्स को दे दिया, आपने बोला कि रात को करना है, वो नहीं कर रहे हैं, तो आप रात को 10 बजे का अलार्म लगा सकते हैं, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो बंद ही नहीं होगा, फोन से ही बंद होगा वो। रोहित, मैं भी एक स्मार्ट टूथब्रश यूज करता हूँ, जस्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक बार आप उसे यूज करके 1-2 महीने हो गए, यू कांट गो बैक। अगर मेरे को हेडफोन्स लेने हैं तो मैं आपके लूं या बोट के लूं? वो क्या कहेगा बेचारा? बेचारा कौन सा, एंटरप्रेन्योर है यार, बेचारा की क्या बात है? तो आपकी यूटिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप गलत जवाब। अच्छा, हैमर के लेने चाहिए। और क्या यार, क्यों वाला है, फाइटिंग स्पिरिट कम लग रही है मुझे आप में। डरते हो आप हेड ऑन फाइट करने से? नहीं, क्योंकि हम छोटी कंपनी है, हमारे पास सोच बड़ी होनी चाहिए, कंपनी छोटी है तो क्या। अगर क्या हो तो बोट लूं और क्या हो तो आप लूं? So, बैश के ऊपर का जो कुशन है दैट इज सुपर सॉफ्ट। अच्छा, तो फिर अगर कंफर्ट चाहिए तो आपका लूं और साउंड बेटर चाहिए तो बोट का? नहीं, साउंड भी इसमें अच्छा है, उनका कूल उस सेगमेंट में, हमारा कंफर्ट और इसमें है। कंफर्ट और क्वालिटी आपका, साउंड का आपका बेटर है? हां जी। पिछले साल क्या रेवेन्यू था आपका? फाइनेंशियल ईयर 2020 में 2.5 करोड़ का था, 2021 में 5 करोड़ था। इस साल तक हम 6 करोड़ का टर्नओवर कर चुके हैं। कितना करोगे टोटल? इस साल हमारा 10 करोड़ पहुंच जाएगा। आई फील अगर आते हैं शॉक्स आते हैं तो आप उन्हीं को लेने आए तो फिर हमसे बात क्यों कर रहे? नहीं, आप लोग आते हैं, मैं नहीं, आप तो वहीं देख के बात कर रहे हैं। नहीं, आई वाज, वो तो आएंगे नहीं, वो तो कह रहे हैं कुचल दूंगा। अमन जी, आप इतने शांत क्यों हैं? नहीं, एक मंच है और जहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योर पिच करने आया है उसकी भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और आप लोगों की भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ओपन माइंड से सोचो। नाइस,
आपकी घड़ी कितने की बिकती है? हमारी दो घड़ियां हैं, एक 2500 की बिकती है, एक 3500 की बिकती है। आपकी घड़ी बेहतर है उनकी? हमारे में कॉलिंग फीचर है, जो कि अभी कॉलिंग फीचर है। आप ना एंटरप्रेन्योर थोड़े, नहीं आप ये नहीं सोचते हो कि इसके यूज थोड़े कम करके 3-4 प्रोडक्ट पे फोकस करके इसको 50-100 करोड़ की कंपनी बनाओ और फिर और प्रोडक्ट्स लॉन्च करो? इसलिए मैंने आपको पूछा था कि आपके टॉप 3 SKUs क्या है। तो रोहित जी, मैंने डिसीजन बना लिया है। मेरे हिसाब से मार्केट बहुत क्लटर्ड मार्केट है और इतने सारे SKUs का गेम मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। सो आई एम आउट, बट ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। रोहित, अपने आप को एक लाइन में डिस्क्राइब कीजिए। वेरी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एंड एम्बिशियस। एम्बिशियस तो ही नहीं लग रहे आप, बस यही तो प्रॉब्लम है। फंडामेंटल सही है, वायरलिटी है प्रोडक्ट में आप कह रहे हैं, पर हंगर नहीं है। आपने आके शुरू में ही लाइन बोली, मैं बहुत छोटा हूँ। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, आपका प्रोडक्ट अच्छा है क्या? आप बोल नहीं रहे कि मेरा बेहतर है। जो बड़ा सोचता है वही बड़ा बनता है भाई। करेक्ट, आप बड़ा सोच ही नहीं पा रहे। करेक्ट, मुझे लगता है कि अगर मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो मुझे एटलीस्ट 50% शेयर लेना पड़ेगा, 5 करोड़ लगा के। पर वो आप नहीं दोगे मुझे शेयर, क्योंकि आप नापतोल करोगे, इसलिए मैं बाहर। रोहित, मैं एक चीज बताऊं आप, मैं बहुत देर से चुप बैठा था, इतना मैं चुप रह नहीं सकता। अच्छा, ठीक है। एक गेम खेलने के ना रूल्स होते हैं, और वो रूल्स के साथ नहीं खेलोगे ना, तुम कभी ना कभी आउट होते रहोगे। तो अभी हेडफोन मार्केट में घुस रहा है, अभी ग्लोबल चिपसेट शॉर्टेज आ रही है, और अभी आगे और होने वाली है अगले 6 महीने, तो प्रॉब्लम और आएगी। तो आप उस जगह पे जाते हो जहाँ पे हम बाकी ब्रांड, मैं हम नहीं कर रहा, बाकी ब्रांड ना हो, तो वहाँ घुस जाओगे, फिर वहाँ सेल करोगे। लेकिन जब हमारे पास सप्लाई एक्स्ट्रा होगी ना, तब हम वहाँ जाएंगे। तब आप कहाँ जाओगे? आप अमेजोन में आए थे ना, बीच में थे, चले गए ना, हम फाइट नहीं कर पाते, क्योंकि हम किसी को घुसने नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडे हम। आप ऐसी चीज पकड़ो और अपने ब्रांड को ऐसा हैमर करो वहां पे कि आप उसमें उसके बादशाह बनो। आप टूथब्रश ले लो, सब बंद कर दो। अब टूथब्रश कोई कर रहा है, आप मेरे को स्मार्ट टूथब्रश का ब्रांड बताओ, तो आप उसमें क्यों नहीं कर रहे? मैं आपके साथ आऊंगा उसमें, आप मुझे हैमर का ब्रांड भेज दो। आप रेडी हो? तो उसके बाद मेरा क्या रोल रहेगा सर? आप मेरे साथ वो कंपनी हम मिलके बनाएंगे, आपको बाकी चीजों की टेंशन नहीं होगी, ब्रांड की, लॉजिस्टिक्स की, टेक्नोलॉजी की, हम मिलके बढ़ेंगे। आप ये कंपनी मुझे बेचोगे? हाँ जी। कितने में बेचोगे? यार ये शार्क टैंक है, यहाँ कॉर्पोरेट डील्स नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। रेवेन्यू का कुछ? रेवेन्यू छोड़, 1 करोड़ आई बाय योर कंपनी। अरे भाई, हम तेरे को ऑफर दे रहे हैं, रुक जा, तू क्यों बेचने पे आ गया? देख, अगर तू इनका ऑफर सुनेगा तो मैं वैसे आऊं। देख, किंग ने वैलिडेशन दे दी, अब हम कहीं साइड वाले गांव में जाके अपनी थोड़ी प्रजा बनाते हैं, मतलब राज बनाते हैं, अनुपम और मैं आएंगे। देखिए, अगर ये महाराजा से बैटल करना है तो आई थिंक पैसे भी और लगेंगे। तो हम सोच रहे हैं यार, तुमको 30 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया ऑफर करते हैं। रोहित, तुझे भी पता है मार्केट में कितने भी पैसे लगा ले तू कहाँ तक जाएगा। ये ऑफर सुन ले, फिर मैं तेरे को अपनी एडवाइस दूंगा। सुन, 50-50 लाख, 1 करोड़ रुपए, 25% हमारा, बट इसमें हम तुम्हारे साथ बैठेंगे, तेरे को फाइनेंसिंग तेरी ठीक करेंगे और तेरे को थोड़े से हाथ पांव चलाने का हेडरूम देंगे, तो वो हमारा ऑफर है। अमन सर, आप अपना ऑफर थोड़ा रेज कर सकते हैं? अगर कंपनी बिक रही है तो फिर मैं भी लेने के लिए तैयार हूँ 1 करोड़ में आपकी कंपनी। नहीं, मैं 1.5 करोड़ में लेने को तैयार हूँ। बेच रहा है कंपनी? नहीं, मैं रिवाइज करने को बोल रहा हूँ कि इसमें इक्विटी कम करने को बोल रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। एंटरप्रेन्योरिंग है। अरे आप बाहर हो ना। नहीं तो मेरा काम है यार, ये कोई वो थोड़ी ना कॉर्पोरेट डील करनी है तो वो बाहर होगी ना। कॉर्पोरेट डील नहीं, वो इक्विटी दे रहा है। अभी इक्विटी नहीं बिक रही है, लोग बिक रहे हैं। आप यार, वो मेरे से बात कर रहा है। हाँ, या, exactly. लेकिन मेरा हक बनता है यार, मेरे को जो बोलना है आप बोलिए ना। यार तुम्हें कोई बात बता, तेरे को धंधा चलाना है ना? बिल्कुल चलाना है सर, तो वही चलाना है। तेरे जो एसेट्स है ना, वो तो बेच ले, खत्म कर, पैसे आ जाएंगे, तेरे को भी पता है, ठीक है? मिल के ना एक ब्रांड खड़ा करते हैं और नई इंडस्ट्री पकड़ते हैं। तू मेरे साथ आ जा और हम मिल के, जहाँ हमने एक इंडस्ट्री में फोड़ा है ना, 2-3 और इंडस्ट्री में फोड़ते हैं। तो उसी के लिए तू जिस तरफ जा रहा है ना, तू उस तरफ अपनी पोजीशन खराब कर रहा है एज अ ब्रांड। ये खा जाएगा तेरे को।
मैं तेरे को लिखवा लिख के दे रहा हूँ, तेरे को ऑलरेडी बोलती है हैमर बंद कर, टूथब्रश बना। ये आपने देख, दो चीजें होती है, अगर तू बंदा नहीं बना पाएगा ना तो ये सारी ज्ञान है, ज्ञान ना बहुत बांटते हैं। और मेरा असेसमेंट ठीक है कि आप में हंगर ही नहीं है। देख अगर मेरे एम्प्लॉयज हैं और मेरे इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनको धोखा तो नहीं दूंगा, तो मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में कि मेरा आधा टाइम वहां जाए आधा टाइम यहाँ जाए, तो मैं उनके साथ धोखा कर दूंगा। अगर मैं तेरे को बढ़ाने में 0.5% भी लूंगा तो भी मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उनके साथ धोखा कर रहा हूँ ना। फिर करेक्ट हो रहा हूँ, तेरे को इसको अगर बेचनी है ना कंपनी, जिस दिन भी बेचनी है मैं तेरे को बिकवा दूंगा। चल तू क्यों फिसल रहा है भाई, तू तू एज एन एंटरप्रेन्योर आया है या तू अपनी कंपनी बेचने आया है, पहले तू ये क्लियर कर ले। तेरे को 1 करोड़ रुपए दे रहा है, मैं कह रहा हूँ 500 करोड़ रुपए दे आज तेरे को, बोले मेरे को 100% कंपनी दे दे, यू हैव टू बी क्लियर नो। हां, सो आई एम नेगोशिएटिंग ऑन दैट पार्ट, कि मैं इनको बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि अगर मेरे को टूथब्रश के जाना है, मैं ये छोड़ के मैं टूथब्रश की तरफ मूव कर सकता हूँ, अब तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। बाय 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 बाय, मैं अश्नीर, अश्नीर मैं आउट हूँ यार इस डील से। मैं आउट हूँ। गुड डिसीजन। यही आइडिया नहीं है कि तुमको करना क्या लाइफ में, कभी टूथब्रश कभी ऑडियो। रोहित आप हड़बड़ा मत जाना, यू आर थिंकिंग राइट, यू हैव टू सी ऑल ऑप्शंस। आपका सिर्फ एक उद्देश्य है यहाँ पर कि अमन को कैसे मैं पार्टनर करूँ, इसको कुछ भी बेच दूँ, ताकि जो भी इसका सक्सेस है उसकी परछाई में मैं कुछ बन जाऊँ। नथिंग रॉन्ग विद इट, नथिंग रॉन्ग विद इट। आपको शार्क टैंक में नहीं आना चाहिए था, आपको बोट टैंक में जाना चाहिए था। और मैं तो को अपनी कहानी बताता हूँ, मैं जब 30 मिलियन का कंपनी था ना, मेरे को 50 मिलियन का ऑफर आया था, नहीं गया मैं, आज मैं 3 बिलियन पे बैठा हूँ। सबके साथ नहीं होता है ना। नहीं नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, बहुत पैसे होते हैं उस टाइम तो, अभी तो कंपनी का छोटा सा हिस्सा मेरे पास है, उस टाइम तो मेरे 50% कंपनी थी, राइट। और लगता है यार 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे घर बैठेंगे आराम से, क्या करना है लाइफ में, बट कुछ बड़ा बनाना है ना। आपका क्या ऑफर है सर? मैं जैसे तुम लोग जाते हो ना वहाँ, मैं 1 मिनट वहाँ जाके वापस आना चाहता हूँ, सोचना चाहता। मैं भी एक बार 1 मिनट पानी पी लूँ। हाँ यार पी लो। इश्नीर भाई क्या कर रहे हो यार आप, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर ही नहीं आ रहे हो आप, मेरे से 2 मिनट टाइम स्पेंड कर सकते हो? हाँ मेरे को एडवाइस की जरूरत है। ये तो ऑडियो से निकल रहा है भाई, कौन ये बंदा, हम भी खेल रहे हैं, सब खेल रहे तो हम भी खेल रहे हैं। Your offer is perfect. उसको क्या खटक रहा है? 0% equity. Any entrepreneur wants to make the brand big, wants to feel he has some equity. बच गए ना? नहीं बचने की बात नहीं यार, मैं तो अभी भी लगा दूं पैसे, पैसे लगाने आए हैं यहाँ पर, लेकिन बंदा तो बोले कि मेरे को पैसे चाहिए। पर बंदा है उसको ही नहीं, कुछ भी बोलो नहीं, वो हारा वो है, कहता है मैं ऑडियो बंद कर दूंगा, हाँ, टूथब्रश कर दूंगा। यार उसको अमन चाहिए ना, वही तो बात है ना, वो खेल लो ना। आप ऑफर नहीं दोगे, अमन तो खा जाता उसको। खा नहीं रहा, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलने के लिए भाई। देखो पूरी कंपनी नहीं बेचनी, ये कंफर्म है। 75% देगा? नहीं नहीं सर, वो फिर मेजॉरिटी आपके पास चला जाएगा सर। तू समझ नहीं रहा तेरे साथ क्या हो रहा है यार। तू नेशनल टीवी पे बिक रहा है भाई, तो मैं मना कर रहा हूँ 75%। नहीं नहीं मना नहीं करना, बोल नहीं करनी डील, ये डील मैं तेरे को दे रहा हूँ 1 करोड़ रुपए 25% पे यार। भाई एक वो नहीं खड़ा, मैं तब खड़ा हूँ, अकेला खड़ा हूँ भाई। एक एक शो का नाम सुना है जॉब टैंक, वहाँ जाना, जॉब टैंक में जाना चाहिए भाई। तो डर मत यश, ये लोग ना थोड़े से इंटिमिडेट कर रहे हैं। इंटिमिडेट क्या कर रहे हैं भाई? नहीं कर रहे हैं, तुमको बचा रहे हैं, तुमको बचा रहे हैं यार। चल 50-50% पार्टनरशिप करते हैं। ओह मेरा ऑफर जो है अब वो एग्जॉस्ट हो रहा है, हाँ या ना बोल खत्म। अरे वो कितनी बार बोले बेचारा, 8-10 बार बोल चुका, आपको नहीं समझ आ रहा तो आप उसकी गलती थोड़ी है। मेरा ऑफर है तेरा, और तेरा ऑफर मैं तेरे ऑफर में बोल रहा हूँ। वो 10 बार बोल चुका है कि मेरे को अमन से बात करनी है, आप खुद घुसे हुए हो कि मेरे को करना, आप कर लो, आप कर लो, मैं नहीं कह रहा, कर लो ना यार, हम मना नहीं कर रहे, कर लो। मैंने ना बहुत एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं शार्क टाइम में, बट दिस इज लेट हिम उसको करने दो ऑफर, करने दो। चल ठीक है 1 करोड़ 40%। ओ वाओ 1 करोड़ 20%। सुन मैं ना पैसों से तेको तोल रहा हूँ, ना तेको परसेंटेज से तोल रहा हूँ। तेको अगर 20% लेना है 10 भी कर देंगे, 5 भी कर देंगे, मैं उससे नहीं ले रहा। आज मैं तेको सबके सामने बोल रहा हूँ कि मिलके मैं तेरे को कभी डाउन नहीं करूँगा, हम मिलके कुछ बड़ा बनाएंगे। बस ये मेरा ऑप्शन है, मैं 40 पे ही रखूँगा।
मैं अब बाहर हूँ। हाँ वो बाहर बाहर हूँ, वो पहले से बाहर थे। नहीं नहीं मैं बाहर नहीं था, मैं अब बाहर हूँ क्योंकि तेरे को उसी से डील लेनी है, मैंने तेरे लिए डील बना दी। राइट मेरा पर्पस हो गया, थैंक यू। 100 से 40 लेके आया। राइट क्यों बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ राइट की 1 करोड़ 35% हो गया। अभी मेरे को पता है ना क्या होने वाला है, तुम्हें आज एक भी डील नहीं मिले, तुम्हें आज एक डील नहीं मिले। अब तो ये देखो मना करेगा। Because you are playing the wrong game, my friend. आपको इतनी बड़ी opportunity थी to make something very big, लेकिन आप आ गए हो job time. Last option है तेरे पास, 1 करोड़ 40%. Let's build a amazing company. Fit together we grow. Done.